नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है मुकेश सक्सेना और आज हम देखने वाले हैं कि कंपोनेंट्स का क्या यूज़ है। तो कंपोनेंट्स यहाँ आर्किटेक्चर टैब कंपोनेंट्स में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन है प्लेस अ कंपोनेंट और एक है मॉडल इन प्लेस। तो मॉडल इन प्लेस को हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि ये मासिंग का पार्ट है। तो हम अभी सबसे पहले प्लेस अ कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली कंपोनेंट्स का क्या काम होता है कि आप जब भी कोई भी फैमिली जो इस प्रोजेक्ट में नहीं है, जिसको आपको बाहर से लाना है, वो इंपोर्ट करनी है, या जो इनबिल्ट कंपोनेंट है, जैसे कि यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स दिख जाएंगे। यहाँ पे एक डेस्क है, अलग अलग साइज के डेस्क हैं, एक पार्किंग स्पेस है, बहुत सारे ट्रीज हैं। तो ये तो हो गए इनबिल्ट जो इसमें है पहले से। अगर आपको बाहर से कुछ लाना है तो यहाँ पर लोड फैमिली का ऑप्शन है। लोड फैमिली के ऑप्शन से आप बाहर से जो फैमिली इस फाइल में लाना चाहते हो तो ला सकते हो। तो सबसे पहले हम इनबिल्ट कंपोनेंट देख लेते हैं, जैसे कि ये डेक्स है। डेक्स पे क्लिक किया और लेवल 1 पे मैंने डेक्स यहाँ पे रख दी। इसको 3D में देख लेते हैं। मेरी यहाँ पे डेक्स आ गई है। ऐसे ही हम लोग एक ट्री डाल के देख लेते हैं। तो ये आ गया ट्री। अब मान लीजिए हमको लाना है एक बेड, जो कि कंपोनेंट्स में यहाँ पर बेड नहीं है। तो हम लोग एक बेड इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो हम लोग गए पहले आर्किटेक्चर टैब, कंपोनेंट, लोड फैमिली। अब यहाँ पर आपको ढूंढना है, तो यहाँ पर आपको फर्नीचर बेड। तो जहाँ पर भी आपने अपने पीसी में ये फाइल सेव करी होगी तो आप वहाँ जाके वो फैमिली की फाइल ओपन कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि 3D में बेड आ गया और बेड को लेवल 1 करके अप्लाई। आप बेड को एरो की से मूव कर सकते हैं जहां भी आपको इसे एडजस्ट करना है। तो ये यूज है कंपोनेंट का कि कंपोनेंट से आप कोई भी बाहर की फैमिली अपनी फाइल में ला सकते हैं, जो भी चाहे, टीवी, फर्नीचर यूनिट, किचन की चीज़ें, यूटेंसिल्स सारे। तो अब हम देखेंगे कि कॉलम कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो आर्किटेक्चरल टैब, कॉलम, और कॉलम में दो टाइप होते हैं, स्ट्रक्चरल कॉलम और आर्किटेक्चरल कॉलम। तो हमको पहले लेवल 1 में जाना पड़ेगा और हम यहाँ पर इस कॉर्नर में कॉलम देंगे। तो कॉलम पे सेलेक्ट किया, स्ट्रक्चरल कॉलम, और कॉलम को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब 3D में जाके कॉलम को सेलेक्ट किया। अब हमको कॉलम चाहिए लेवल 1 से लेवल 2 के बीच। तो बेस लेवल तो लेवल 1 ठीक है, टॉप लेवल होना चाहिए लेवल 2 और बेस ऑफसेट 0। अप्लाई। तो ये आ गया हमारा कॉलम लेवल 1 से लेवल 2 के बीच। अब हम जाएंगे लेवल 1 और अब हम इंसर्ट करेंगे आर्किटेक्चरल कॉलम। तो
आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर कॉलम के टाइप्स मिल जाएंगे, राउंड कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम, जैसे चाहिए आपको उस हिसाब से। तो हम ले लेते हैं राउंड कॉलम 300 और यहाँ हमने प्लेस कर दिया। अब इसको हम 3D में जाके देखेंगे। परफेक्ट। अब आपको मान लीजिए कॉलम में इसको नीचे से 0.6 ऊपर करना है, तो यहाँ पर बेस ऑफसेट में 0.6 अप्लाई, तो ये आपका हो गया ऊपर। ऐसे आप कॉलम्स एडजस्ट कर सकते हैं, कॉलम्स की हाइट। कॉलम को मटेरियल देने के लिए सेम प्रोसीजर है जैसे बाकियों को मटेरियल देते हैं। सेलेक्ट करना है कॉलम को, एडिट टाइप। एडिट टाइप में यहाँ पे आपको मटेरियल का ऑप्शन मिल जाएगा। मटेरियल पैलेट पे क्लिक किया। और हमने सर्च किया यहाँ पर कंक्रीट, तो यहाँ पर कास्ट इन सीटू कंक्रीट आ गया। ओके, अप्लाई। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसको कंक्रीट मटेरियल आ गया है कॉलम को। तो दोस्तों ये है अंत इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रेविट सिटी से फैमिली कैसे डाउनलोड करते हैं, जैसे आपको बेड डाउनलोड करना है, कॉलम डाउनलोड करने हैं, विंडोज़ डाउनलोड करने हैं, कार डाउनलोड करना है या कुछ भी डाउनलोड करना है, तो रेविट सिटी पे से कैसे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।